हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन गट्टे। ली मैंने बेसन, अजवाइन, जीरा और कस्तूरी मेथी, और इसमें मसाले नमक, मिर्ची, हल्दी और हींग, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें दही। दही भी खट्टी नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा ली है। उसके बाद इसमें ऐड करना 2 चम्मच ऑयल, बड़े चम्मच। ये ऑयल कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मैंने सरसों का करा है। उसके बाद इसे अच्छे से मैश करेंगे और फिर गूंद देंगे, और उसके बाद इसे 15 मिनट छोड़ दूंगी। हाथ में ऑयल लगा के इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने सिलेंड्रिकल दिया है, ते हुए पानी में डाल देंगे। पानी उबलता ही रहना चाहिए और गैस का फ्लेम तेज होगा। बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये, एकदम से टूट रहे हैं। तो ये मैंने ऑयल गरम कर दिया है, उसमें डाल दिया मैंने जीरा और बारीक चॉप करा हुआ लहसुन। इन दोनों को अच्छे से होने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बारीक चॉप करा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से भूनना है तभी इसमें कलर अच्छा आता है ग्रेवी में। तो ये प्याज अच्छे से हो रहा है और ये हो गया है प्याज। और अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करने हैं, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला। तो ये धनिया भी मैंने भून के पीसा रहता है, घर में ही पीसती हूँ इसको, इसलिए ये जीरे की तरह दिख रहा है। और इन मसालों को अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा ऐसे इसे चलाऊँगी और फिर इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। और नमक डालने के बाद मसाले अच्छे से पक जाएंगे टमाटर। फिर जब टमाटर तेल छोड़ने लग जाए तो इसमें मैं दही ऐड करूँगी। दही से इसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। जब दही हम डालेंगे तो अच्छे से फेंटना है दही को, ताकि दही फटे ना। तो ये देखो दही भी अच्छे से हो गई है, वो भी तेल छोड़ने लग गई है। तो उसमें उसके बाद ऐड करेंगे इसमें गट्टे। गट्टे को थोड़ा मसाले में अच्छे से पकाना है थोड़ी देर, और उसके बाद जितना पानी ऐड करना चाहो कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं। अगर ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो थोड़ा कम ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, वही पानी ऐड करूँगी जिसमें गट्टे उबाले थे, उसे वेस्ट नहीं करेंगे। देखो थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और जब हम गट्टे उबालें तो कम पानी में उबालें ताकि वेस्ट ना हो। ये हो गए गट्टे तैयार।